हाँ डार्लिंग। हेलो महेश, मुझे किसी ने मारने की धमकी दी है, प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। तो अमर कहाँ है? पता नहीं कहाँ दारू पी के मर गया वो। लेकिन यार मुझे यहाँ पनवेल से निकलते निकलते 3 घंटे लग जाएंगे वहां पहुंचने में। तुम एक काम करो, तुम अपने किसी फ्रेंड को बुला लो अभी, मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक वो वहां पहुंच जाएगी। ठीक है महेश, प्लीज जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना। ओके। सीमा अच्छा हुआ तुम आ गई। शांत हो जा, मैं हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। लेकिन किसी को कैसे पता कि मैं घर पे अकेली हूँ? कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं चल, सीमा चल चल अंदर। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, मैं दिव्या बोल रही हूँ। मुझे किसी ने जान से मारने की धमकी दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। आप एड्रेस भेजिए, हम लोग अभी आते। बैठो। क्या लगता है आपको, आपको मारने की धमकी कौन दे सकता है? कोई एक्स बॉयफ्रेंड? और अगर हाँ तो फिर सवाल उठता है कि मेरे अलावा कितने थे घर में? जो भी हथियार हो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखिए। हाँ दिव्या, तुम्हारे पास कोई तो हथियार होना चाहिए। अच्छा मुझे पता, घर में हथियार के नाम पे कोई भी चीज नहीं है क्या? जो कुछ भी है बाहर सर्वेंट के रूम में रखा होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सीमा। मैं आपके पति कहाँ है? वो शूट पे थे, आने वाले ही होंगे। अच्छा है, पति को पत्नी के करीब रहना चाहिए। मैं चलता हूँ, कुछ ही देर में 2 पुलिस वाले आ जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए, जो यहाँ रात भर रहेंगे। कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बाहर रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहीं रुको, मैं 2 और लोगों को भेजता हूँ। जी सर। सुन मेरी बात, मैं सर्वेंट रूम में जाके देखती हूँ, कोई ना कोई हथियार तो मिल ही जाएगा, और तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे पास। देख